एवरी वन, वेलकम टू करियर इन्फो डॉट इन। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में हम द लॉरेंस स्कूल की वैकेंसी देखेंगे। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और बहुत अलग लोकेशन से आई हुई है। काफ़ी अच्छी जो है इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं सब्जेक्ट्स में, हेड मिस्ट्रेस वगैरह की। तो पूरी डिटेल में देखेंगे वैकेंसी। न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है इसकी एडवर्टीजमेंट। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आपको वैकेंसीज मिल जाएंगी देखने को। इसके अलावा जो है ये एक रेजिडेंशियल स्कूल है, तो इस जो है वीडियो को है एंड तक ज़रूर देखिए। बहुत सारे कैंडिडेट्स चाहते हैं कि रेजिडेंशियल स्कूल की वैकेंसीज़ उनको मिले, ताकि वो इजीली वहाँ पर शिफ्ट हो सकें और ज्वाइन कर सकें स्कूल को, अगर उनका सिलेक्शन होता है तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको इसकी नीड है। इसके अलावा चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को। तो ये मेरी स्कूल की ये जो है वेबसाइट में आपके साथ शेयर करें स्क्रीन पे, sanwar.edu.in, ये है द लॉरेंस स्कूल है। और ये जो है को एजुकेशनल स्कूल है, हिमाचल प्रदेश में ये स्कूल है। काफ़ी अच्छा स्कूल है, रेजिडेंशियल स्कूल है, को एजुके यहाँ पे सनवर इज़ अ को एजुकेशनल बोर्डिंग स्कूल है ये। और यहाँ पर जो है न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है वैकेंसी। इसके अलावा वेबसाइट पर भी आपको वैकेंसी मिल जाएगी। तो जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है उस वैकेंसी को हम देख लेंगे। इसके पहले यहाँ पर आप जब नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको इसकी जो है एग्जैक्ट लोकेशन मिल जाएगी। द लॉरेंस स्कूल सनवर, डिस्ट्रिक्ट सोलान की है, हिमाचल प्रदेश की वैकेंसी है। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, मेल आईडी भी दी हुई है। इसके अलावा यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे जॉब अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटी जब आप क्लिक करेंगे तो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी यहाँ पर द लॉरेंस स्कूल की, शिमला हिल्स हिमाचल प्रदेश इन का है। द हेडमास्टर इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन बिलो हेड ऑफ द टीचर्स एनरिचमेंट सेंटर के लिए। एज प्रेफरेंस किया जाएगा, एज 45 to 56 ईयर्स वाले कैंडिडेट इसमें जो है प्रेफरेंस दी जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ आपका। एक्सपीरियंस यहाँ पर 10 ईयर का इन्होंने मांगी हुई है। यहाँ पे हैव प्रेफर बाई हेल्ड अ सीनियर लीडरशिप पोजिशन इन अ स्कूल फॉर एट लीस्ट 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मस्ट हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ एन अकेडमिक सब्जेक्ट इन अ स्कूल फॉर एट लीस्ट 20 ईयर्स। तो ये सारी यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो है इन्होंने एक्सपीरियंस लिखा है। हैव अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न टीचिंग पैडागॉजी ट्रेनिंग प्रैक्टिसेस एंड इंटीग्रेशन इंफॉर्मेशन एंड इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ऑफ इन्हांसिंग लर्निंग गॉट कमेंस। इसके अलावा लर्निंग आउटकम्स, हैव एक्सपीरियंस इन प्लानिंग डेवलपमेंट टीचिंग प्रैक्टिसेस फॉर ट्रेनिंग एंड लर्निंग के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये सारी की स्किल्स इन्होंने दी हुई है कि ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आरएमओ के लिए है, आरएमओ जो है रेजिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें एज बिलो 55 ईयर होना चाहिए। एमबीबीएस वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के लिए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक पोस्ट है। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए है हेडमास्टर में, जिसमें 50 ईयर बिलो कैंडिडेट ग्रेजुएशन के साथ इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एचआर मैनेजर के लिए भी यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, एमबीए स्पेशलाइजेशन इन एचआर होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने लिखा है। 45 बिलो वाले कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर जो है दी हुई है कि एप्लीकेशन शुड बी सेंड टू jobs@sanwar.edu.in पर आपको जो है अपना एप्लीकेशन फॉरवर्ड करना है विदिन 15 डेज़ पर। तो ये वैकेंसी जो है वेडनेसडे को पब्लिश हुई है, 16th को, ठीक है। यहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, द स्कूल रिजर्व द राइट टू फिल। ये पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड विल बी कैप्ट कॉन्फिडेंशियल यहाँ पे रखा जाएगा। यहाँ पे जो है बिफोर 29th ऑफ मे के पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है, ठीक है, ये इन्होंने दे दिया है। अब जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुई है उसे भी हम देख लेते हैं, न्यूज़पेपर में क्या एडवर्टीजमेंट आई हुई है। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो सेम ये वैकेंसी इसमें भी आई हुई है। हेड ऑफ़ द टीचर्स टीचर्स के लिए है, एनरिचमेंट सेंटर में वन पोस्ट, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर के लिए वन पोस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए वन पोस्ट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू द हेड मास्टर के लिए वन पोस्ट, पीटीआई फीमेल के लिए वन पोस्ट, एचआर मैनेजर के लिए वन पोस्ट, जूनियर इंजीनियर सिविल प्रोजेक्ट के लिए वन पोस्ट, जो कि प्योरली टेम्पररी बेसिस होगा। इसके अलावा कैसे अप्लाई करना है ये मैंने बता दिया, वेबसाइट पर जाना है और द लिंक यहाँ पर दिया हुआ है, इसी लिंक पर आपको जाकर अप्लाई करना होगा। इसके अलावा एप्लीकेशन शुड बी सेंट, आपको सेंड करना होगा यहाँ पर 15 दिन के पहले, यानी 29 मई के पहले तक आपको अप्लाई कर लेना है इसमें, ठीक है। तो ये पूरी वैकेंसी मैंने आपके साथ शेयर की, ये एक रेसिडेंशियल स्कूल है, मे बी जो कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई करेंगे उन्हें रेसिडेंशियल भी प्रोवाइड कराया जाएगा। यहाँ पे इंडियाज़ नंबर वन प्रीमियर को एजुकेशनल रेसिडेंशियल स्कूल फाउंडेड इन 1847 के स्कूल है ये। सनवर है द लॉरेंस स्कूल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, शिमला हिल्स के पास, ठीक है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।